अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वसीम अकरम, लेक्चरर इन इंग्लिश एट ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क मुल्तान। आई होप यू ऑल आर क्वाइट हेल एंड हार्टी। इन आवर प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 15, वी वर डिस्कसिंग शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 फ्रॉम बुक 1, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दैट शॉर्ट स्टोरी इन लेक्चर नंबर 16 टूडे। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि वालिद अपने बेटे को उस पैच ऑफ क्लियरिंग की तरफ, वो क्लियरिंग इन द स्काई जो था, वहाँ ले गया था, और वहाँ पर उसने अपने टमाटरों से मुतालिक बात की थी कि ये टमाटर जब पक जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठे टमाटर कभी नहीं चख पाएंगे। तो उसी से हम इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। दे विल सून बी राइप टू, बेटा कहता है कि ये जल्दी पक भी जाएंगे। ठीक है, राइप होने का मतलब क्या है? अगर ये एनिमल्स के लिए था, रैबिट्स के लिए हमने देखा अपने लेक्चर नंबर 2 में, तो वहां पर इसका मतलब मैच्योर होना, ठीक है, डेवलप होना। तो यहां भी इसका मतलब यही है, किसी सब्जी का या फल का पकना, ठीक है, तो डेवलप हो जाना उसका फुल फॉर्म में। तो दे विल सून बी राइप टू, ये जल्दी पक भी जाएंगे। आई सेड एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमेटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच। ठीक है, लोअर साइड का मतलब क्या है? निचली जानेब। मैंने उस खेत की निचली जानेब टमाटरों की एक या उससे ज्यादा दर्जन कितारों की तरफ देखते हुए कहा। देन अबव द टमाटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स। अब ये यैम्स क्या है? ये आप इसको कचालू भी कह सकते हैं, बेसिकली ये स्वीट पोटैटोज होते हैं, और शक्करकंदी का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, देन अबव द टमाटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स, और फिर शायद टमाटरों के ऊपर वाली जानेब आधा दर्जन कितारें जो है वो कचालू की थी। ठीक है, अब यहां पर ये जो रोज की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों ने याद रखनी है तीनों की, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। अबव द यैम्स वर परहैप्स 3 dozen रोज ऑफ पोटैटोज। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद, मे बी। ठीक है, और कचालू के ऊपर परहैप्स गालबन 3 दर्जन कितारें आलुओं की थी। अब बेटा कहता है जी आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। आई लाफ्ड। ठीक है, वो कहता है आई डोंट सी अ वीड। वीड का मतलब क्या है? वीड का मतलब है बेटा वाइल्ड प्लांट, या फिर आप इसको कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट। ठीक है, ऐसी घास जो खुद ब खुद पैदा हो जाए और उसकी बिल्कुल किसी किस्म की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो असल जो क्रॉप होती है उसको नुकसान पहुंचा रही होती है। तो उसके बारे में बेटा कहता है आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे इस खेत में कोई खुद रू घास नजर नहीं आती। आई लाफ्ड, मैंने हंसते हुए कहा। वोंट दे ग्रो हेयर। अब ये वोंट क्या है बेटा? वोंट जो है वो विल नॉट की कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहां नहीं उगेंगी? आई वोंट लेट देम। ठीक है, अब यहां पर जो ई एम खाली लिखा हुआ है, बेसिकली ये देम को शॉर्ट किया गया, जैसे स्पोकन इंग्लिश के अंदर डिफरेंट वर्ड्स को ये जो अमेरिकन हैं या इंग्लिश लोग होते हैं वो उसको प्रनाउंस करते हैं। ठीक है, आई वोंट लेट देम, मैं उन्हें उगने नहीं दूंगा। ही सेड, उसने कहा, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वॉन्टिंग यू टू सी, यही तो वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। आई ब्रैग्ड। ब्रैग का लफ्ज पहले भी आ चुका है बेटा 2-3 मरतबा, और इसका मतलब हम लोगों ने देखा था बूस्ट करना, ठीक है, शो ऑफ करना, या टॉक बिग, फखरिया अंदाज अपनाना, बड़ाई जो है वो बयान करना। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। ठीक है, आई ब्रैग्ड। अब यहां पर क्लीनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और उससे पहले हमेशा दा लगता है। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, इससे ज्यादा साफ खेत मैंने कभी नहीं देखा। मैंने मुबालगा आरई की, या मैंने फखरी अंदाज में कहा, बट आई स्टिल डोंट सी। अब यहां पर सी का मतलब देखना नहीं है, सी का मतलब परसीव करना, अंडरस्टैंड करना भी होता है, यहां पर इसका वो मतलब है। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम्ब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। लेकिन मुझे अभी भी इस बात की समझ नहीं आई कि आप इस पहाड़ पर इस खेत को साफ करने के लिए क्यों चढ़े। अब पैच जो है वो सिनोनिम्स के लिए आ सकता है बेटा। पैच का मतलब क्या है जी? ग्राउंड या फिर पीस ऑफ लैंड, जैसे आप खेत कह सकते हैं यहां पे। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और ये सब कुछ आपने अपने मौलज के अहकाम के बरक्स किया। ठीक है, उसके जो मौलजीन थे उसके बारे में बात कर रहा है कि वो जो आपको नसीहत करते थे उनके खिलाफ आपने ये सब कुछ किया। तो विच वन, ही आस्क लाफिंग। ठीक है, कौन सी हिदायत या कौन सा हुक्म, उन्होंने हंसते हुए कहा। ठीक है, देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टंप एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टंप नियर हिम।
ठीक है। अब ये जो बेटा ये स्टंप जो है ये बेसिकली क्या है, जब दरख्त को काट दिया जाता है तो उसकी सिर्फ बेस बचती है जिसको स्टंप कहा जाता है, जिसको बैठने के लिए एज अ स्टूल आप यूज कर सकते हैं। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टंप। ओक जो है वो शाहबलूत के दरख्त को कहते हैं, स्क्रीन के ऊपर इसका मीनिंग लिखा हुआ भी है। और स्टंप का मतलब क्या है, स्टंप के सिनोनिम्स हैं स्टब और एंड, ठीक है। इसको आप जो है वो रिमेन्स भी कह सकते हैं दरख्त की, कि दरख्त को काट दिया और उसका जो बकिया हिस्सा है, ठीक है, जिसको बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्टोरी के अंदर, उसके लिए उर्दू में क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, इसके लिए आप मोंट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दरख्त का कटा हुआ तना भी आप इसे कह सकते हैं। फिर वो शाहबलूत के एक बड़े दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गए और मैं उनके करीब एक छोटे से स्याह गोंद के दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया, ठीक है। अब ये जो ब्लैक गम है इसको आप उर्दू में क्या कहेंगे, स्याह गोंद। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड। उस पहाड़ पर सिर्फ यही वो जगह थी जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच सकती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस खेत के निचले जानेब, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो। रिम किसे कहेंगे आप, दायरा या हल्का, ठीक है, साय का एक दायरा था ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ड प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोस, ठीक है, हरे टमाटरों से लदे हुए तनावर पौधों के, स्याह रंग के तनावर पौधों के कितारों के ऊपर साय का एक दायरा था। अब इसको हम बाम मुहावरा कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ड प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोस, और उस खेत के निचले जानेब हरे टमाटरों से लदे हुए स्याह रंग के या गहरे रंग के तनावर टमाटर के पौधों के ऊपर की कितारों के ऊपर साय का एक दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? अब यहां पर एक stalwart जो है बड़ा important word था जो मैंने miss किया है synonyms के लिए। stalwart का मतलब क्या है बेटा, strong, sturdy या powerful, ठीक है, तनावर मजबूत किस्म के पौधे थे उन टमाटरों के, ठीक है। और यहां पर जो dark word है उसको आप स्याह भी कह सकते हैं या गहरे रंग के भी कह सकते हैं। What is the reason for your planting this patch up here? आपके इस पहाड़ की बुलंदी पर इस खेत को लगाने का क्या मकसद है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में 20 मरतबा, ही सेड, उन्होंने कहा, अ डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू गो होम, एक मॉरिज ने मुझे बताया कि मैं अपने घर जाऊं, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और अपने खानदान के साथ जितना वक्त गुजार सकता था गुजारूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझसे कहा कि मैं काम ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करूं, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, बल्कि जिंदा रहूं और अपनी जिंदगी के बाकी ईमानदार दिनों के मजे लूटूं, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स की नसीहत थी उसे कि वो अपने घर रहे, काम ना करे, और सिर्फ क्या करे, अपनी फैमिली के साथ जितना उसके पास टाइम बच गया उसकी लाइफ में वो गुजारे। लेकिन वो ओल्ड मैन जो था, जैसे कि हम लोगों ने इस शॉर्ट स्टोरी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, ही वॉज अ वेरी डिटर्मिंड पर्सन, ठीक है। और जो डिटर्मिंड लोग होते हैं वो कभी भी अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स या बैरियर्स को अहमियत नहीं देते, ठीक है, बल्कि वो उनको फलांगते हुए चले जाते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर मोलोजीन की बात दुरुस्त होती, ही सेड विंकिंग एट मी, उन्होंने आंख मारते हुए मुझसे कहा। अब ये जो विंकिंग का लफ्ज है इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्विंकलिंग, ग्लिटरिंग या ब्लिंकिंग, ठीक है, आंख मारना। आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स, अगर मोलोजीन की बात दुरुस्त होती, उन्होंने मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स, तो मैंने मौत को बहुत मरतबा धोखा दिया है, ठीक है। चीट का मतलब आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है, चीट करने का मतलब क्या है, डिसीव करना या ट्रिक करना, धोखा दही करना, धोखा देना, ठीक है। तो डॉक्टर, ये जो अब ओल्ड मैन है, ये समझाना चाह रहा है कि अगर डॉक्टर्स की बात दुरुस्त होती तो इसका मतलब वो तो कई मरतबा अब तक मर चुका होता। डॉक्टर्स तो हर दफा जब वो जाता था तो कहते थे आप जो है वो मरने वाले हो, आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वो अपने रास्ते पर चलता रहा। Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब मैं
उस उम्र तक पहुंच चुका हूं। यहां पे इयर्स को साल कहने की बजाय अगर आप एज इसको कहें, उम्र कहें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं उम्र के उस हिस्से तक पहुंच चुका हूं, द गुड बुक अलाउस, ठीक है। गुड बुक जो है वो क्रिश्चियंस के लिए जो होती है वो बाइबल होती है, इंजील को कहा जाता है गुड बुक, ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके दोनों फर्स्ट लेटर्स आप लोग देख रहे हैं कैपिटलाइज किए हुए। नाउ आई हैव, ठीक है, आई हैव कॉन्ट्रेक्शन है, किस तरह से उसमें अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका। अब मैं उस उम्र तक पहुंच चुका हूं जो मुकद्दस किताब एक इंसान को दुनिया में बसर करने की इजाजत देती। अलाउ करने का मतलब क्या होता है? परमिट करना, ठीक है, किसी को इजाजत देना। 3 score years and 10 यानी कि 70 साल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है और ये MCQs में भी आ चुकी है, ठीक है। इसको आप लोगों ने खास तौर पर जो है वो इसको कंसीडर भी करना है और इसको याद भी रखना है कि 3 score, स्कोर का मतलब होता है बेटा 20। तो 3 scores का मतलब क्या हुआ? 20 × 3 = 60, और 60 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो ये 70 years बनते हैं। यानी कि क्रिश्चियंस के मुताबिक या इंजील जो उनकी किताब है बाइबल उसके मुताबिक एक इंसान की जो एवरेज एज है वो 70 years, और वो ओल्ड मैन अब अपने 70 साल की उम्र तक पहुंच चुका है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कि उसने एक तो 70 साल की उम्र पाई जो कि गुड बुक अलाउ करती है किसी भी इंसान को, और वो 70 साल उसने घर बैठकर नहीं गुजारे डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी के बावजूद, ठीक है, ही वर्क रियली हार्ड फॉर हिज फैमिली टू रेज हिज चिल्ड्रन, ठीक है, बड़ी मेहनत उसने की अपनी जिंदगी के अंदर। He got up from the stump and wiped the rain drops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. अब यहां पर जो दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्लू कलर और बंडाना जो है वो एक बड़े रुमाल को कहा जाता है जिसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अ लार्ज करचीफ, ठीक है, हेड स्कार्फ भी आप इसे कह सकते हैं। फिर वो मूंड से या दरख्त के कटे हुए तने से उठ खड़े हुए और अपने झुरियों भरे चेहरे से अपने बड़े नीले रुमाल से पसीने के कतरों को साफ किया, ठीक है। रेड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब है झुरियों भरा चेहरा जैसे बुजुर्गों का होता है। एंड समथिंग एल्स जेल्स, और जेल्स कुछ और भी है, ही सेड, उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, उन्होंने मुझे उस खेत के बलाई किनारे की तरफ, ऊपर वाले किनारे की तरफ अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। मोशन करने का मतलब क्या है बेटा? जेस्चर करना या सिग्नल करना, यानी कि इशारा करना, ठीक है। यू वोंट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 score and 10, ये बात आप तक तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, इन सालों के बाद या इस उम्र के बाद आपका वक्त उधार पर होता है, मुस्तहार पर होता है। यहां पे बोरोड का मतलब क्या है? वेग या अनसर्टन, यानी कि इसके बाद की जो लाइफ है वो इंसान के लिए बोनस। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप उम्र के इस हिस्से में जिंदा होते हैं, समथिंग गोज बैक, तो कोई चीज आपको माजी में वापस ले जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों पर वापस जाते हैं जिनसे आपको आशनाई और मोहब्बत थी। न्यू का मतलब क्या है? जिन्हें आप जानते थे या जिनसे आपको आशनाई और लव था, यानी कि मोहब्बत थी, यानी कि इंसान वापस वहां जाना चाहता है जहां पर उसने अपना ज्यादातर वक्त गुजारा था। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी पहाड़ी ढलवान की तरफ देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो, ठीक है। उन्होंने उस खेत के ऊपर वाले गोल किनारे से, रिम का मतलब क्या है? हल्का या गोल किनारा, गोल किनारे से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है। ये बेटा आपका आज का लेक्चर था, और अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट के अंदर आपके एज यूजुअल 2 paragraphs हैं। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टंप, एक ये होगा, और 20 times इन माई लाइफ, एक ये होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2 से 2 इसमें एक्सट्रैक्ट्स लिए इस चैप्टर के अंदर से पंक्चुएशन के लिए, उनको आप पंक्चुएट करेंगे, और ये असाइनमेंट जो है वो लाजमी आप लोगों ने बेटा करनी है ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होते रहे। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला।